पेशवा बाजीराव में आज बाजीराव के आगे आ जाएगा धनाजी के मौत का सच। आज उसे पता चल ही जाएगा कि छल और कपट में कौन इतना गिर सकता है। धनाजी को अंतिम विदाई देते हुए शाहू महाराज बालाजी और बाजीराव याद करते हैं कि कैसे धनाजी ने कई समय पर अपने विचारधारा और दृढ़ निश्चय से उनके दिलों को जीता था। बाजीराव धनाजी से मन ही मन क्षमा मांगता है। उन्होंने धनाजी की अंतिम घड़ियों में उनके पुत्र पर संदेह किया, लेकिन वो ये प्रण लेते हैं कि वो उनके कातिल को ढूंढ के ही रहेंगे। धनाजी के हाथ से एक अंगूठी गिरती है जो और किसी की नहीं बल्कि चंद्रसेन की है, लेकिन इसका इल्म चंद्रसेन को भी नहीं है। बाजीराव को वो अंगूठी मिलती है और मंत्रिमंडल में आकर सभी के हाथों को प्रणाम करने के छलावे से देखते हैं। बाजीराव का मानना है कि जिस किसी की ये अंगूठी है उसके निशान उसकी उंगलियों पर जरूर होंगे। शाहू महाराज पधारते हैं और वो चंद्रसेन को सेनापति के ओहदे से नवाजते हैं। बप्पा जी को पूर्ण यकीन है कि जब पेशवा की पदवी की घोषणा होगी तब उन्हें ही ये सम्मान दिया जाएगा। शाहू महाराज ये कहते हैं कि पेशवा वही है जो तन से सिपाही और मन से साधु हो, उसे शस्त्र का भी ज्ञान हो और शास्त्र का भी, इसलिए वो पेशवा की पदवी बालाजी विश्वनाथ भट्ट को देते हैं। बप्पा जी इस बात से निराश जरूर हुए, लेकिन वो बालाजी से कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों में जरा सा भी चूके तो वो तारा रानी के पास चले जाएंगे। नया ओहदा मिलने पर चंद्रसेन और बालाजी गले मिलते हैं। तभी बाजीराव की नजरें चंद्रसेन की उंगलियों पर जाती हैं और वो देख लेते हैं कि उनकी उंगली घायल है। मतलब अब बाजीराव जल्द ही सबके समीप लाएंगे चंद्रसेन का वो वहशी रूप जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को भी नहीं बख्शा।